क्रोम के साथ से और प्रोजेक्टर हेडलैम्प है सर, ठीक है सर। और अपने फॉग लैंप दिए हुए हैं सर इसके अंदर, जो धुंध वगैरह में अच्छी विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। सारी एलईडी है, एलईडी सर इसके टॉप मॉडल में। ये कौन सा मॉडल है सर इसका? ये इसका बेस मॉडल वेरिएंट है सर, तो वी वेरिएंट कहते हैं अपन। तो दोस्तों ये इसका बेस वेरिएंट है, और बेस वेरिएंट में भी काफ़ी अच्छी तरह से इसका लुक इनहेंस, मतलब आज काफ़ी अच्छी तरह से इसका लुक आ रहा है निखर के। सर ये ग्रिल के बारे में सर, ग्रिल्स दी हुई है साथ में, होंडा का लोगो दिया हुआ है सर, ये दर्शाता है कि होंडा की कार है ये, ठीक है सर। क्रोम फिनिशिंग दे रखी है सर सभी वेरिएंट के सर। कई लोगों का कहना है कि जो क्रोम फिनिशिंग है काफ़ी, मतलब एक दो साल बाद ही ना तो ये डल होने लगा। नहीं सर, ये होगी होंडा की ओरिजिनल प्रोडक्टिव चीज है सर। तो ग्रिल के नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, मतलब बॉडी कलर में मिलेगा सर। प्लस में इसमें पीछे जो इंडिकेटर है सर, हवा के लिए ग्रिल्स दी हुई है कि हवा अंदर जाएगी सर, इंजन ठंडा रहेगा, उसके कारण कूलिंग पावर और जो अपनी माइलेज है वो अच्छी रहेगी सर गाड़ी की। तो देखा दोस्तों आपने काफ़ी अच्छी तरह से भैया ने बताया है, और बात करते हैं इस तरफ सर, इस तरफ कुछ चेंज है लाइट में सेम ही मिलेगी सर? सर लाइट बिल्कुल सेम दोस्तों, जो ये बेस से ऊपर वाला मॉडल है ना सर, बेस सर ये बेस मॉडल, तो बेस मॉडल के अंदर भी हमें कीलेस एंट्री मिलती है सर दोस्तों इसमें, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। एक बेस वेरिएंट के अंदर कीलेस एंट्री मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, कि हर कंपनी अपने कार के अंदर प्रोवाइड नहीं करती बेस वेरिएंट के अंदर कीलेस एंट्री। तो सर ट्वीट के बारे में कुछ बताएं सर। होंडा स्मार्ट की एंट्री है सर इसके अंदर, आप अगर आपके अंदर पॉकेट में चाबी है तो भी आप एक बार हाथ से टेस्ट करो सर, खुल जाएगी कार अपनी, ठीक है। वैसे आपको चाबी निकालने की जरूरत नहीं है पॉकेट से, ठीक है सर। और अपना साइड इंडिकेटर यही मिलर में दिया हुआ है सर, आपको इंडिकेटर मिलते हैं, और काफ़ी इसकी जो स्टाइलिंग है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जब ये बिलिंग करते हैं। और सर ये अपने कुछ टायर के बारे में बताना सर, कंपनी का क्या है? 6 इंच इसमें ट्यूबलेस टायर है सर, जैसे मान लो आप ट्यूबलेस टायर की सेफ्टी ये है सर कि कुछ किलोमीटर आप चलते हो तो हवा मिस नहीं होती सर इसके अंदर से, आप जो सर्विस स्टेशन है वहाँ से आप रिपेयर वगैरह करवा सकते हो सर। मैं देखा हूँ इसमें अलॉय व्हील भी मिलते हैं, अलॉय व्हील आ जाते हैं सर, बेस वेरिएंट भी अलॉय व्हील है सर। बहुत बड़ी बात है सर। तो दोस्तों अगर हम साइड से चलते जाए सर, तो दोस्तों यहाँ पे ये कीलेस एंट्री का बटन मिल रहा है हमें, इसको दबाएंगे तो गाड़ी अनलॉक और लॉक हो जाएगी, गाड़ी ऐसे लॉक। अगर आपके पास ये दबाने की भी जरूरत नहीं है सर, एक बार आप पुश करोगे
अगर आपके पास सामान दबाने की भी जरूरत नहीं है। काफी देखा दोस्तों आपने कितना अच्छा फीचर है कि हमें इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं, बस इसको ऐसे करना है और गाड़ी का जो सेंसर है उसको अपने आप 2.2 मीटर चाबी की सेंसर चाहिए। तो सर हमें पीछे तरफ चलते हैं, आगे की तरफ बाद में बताएंगे सर। तो पीछे की तरफ भी सर सेम वो टायर मिलता है सर? हाँ जी। कहना है कि हमें जैसे कि जो टायर कंपनी प्रोवाइड करती है वो कौन कौन से कंपनी के टायर आते हैं? मतलब सर वैसे तो जैके और अपना MRF है, ठीक है सर, जिस्टो उनके हैं, ये आते हैं लगभग, तो क्योंकि क्वालिटी इनकी अच्छी है लगभग। हाँ जी, तो ब्रिजस्टोन और जेके के आपको डीयर डीयर के टायर मिलते हैं। हाँ जी सर, हम पीछे की तरफ आए तो सर पीछे की तरफ हमें सर, कुछ हमें दिखाया सर, एंटीना बेस वेरिएंट भी है सर, डीफोकर दे दिए गए हैं सर। हाँ जी, और दोस्तों की जो है सर ये धुंध के, हाँ धुंध में ये बहुत ही बेनिफिशियल है, सारी सारी है सर, तो अंदर फोग जम जाती है सर, सर डीफोकर ऑन करोगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा सर। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैं ये लाइट देख रहा हूँ, ये लाइट के बारे में सर कुछ बताएं। हाँ जी, जेड टाइप लाइट है सर, कि देखने में एक एक्टिव लुक देती है सर कि गाड़ी जा रही है, जी कि लग्जरी कार की तरह है प्रोवाइड हो रही है सर। किसी हमें सेंसर को देखने को मिलते हैं सर? सेंसर आ जाएंगे सर, कैमरा भी आ जाएगा सर, पार्किंग कैमरा भी, पार्किंग कैमरा भी है सर, आप देख सकते हैं पार्किंग कैमरा भी मिलता है बेस वेरिएंट के अंदर। ये चीज ध्यान करना सर दोस्तों, इसका बूट, ये बूट स्पेस है सर 506 लीटर का बूट स्पेस है सर। देखा आपने, 506 लीटर का बूट स्पेस मिलता है तो काफी अच्छी बात है। और पीछे की तरफ सर ये रिफ्लेक्टर लाइट मिलती है सर हमें पीछे? हाँ, ये रिफ्लेक्टर लाइट है सर। हाँ जी, इस तरफ भी आपने LED देखी है, यहाँ पे कोई अभी बेस वेरिएंट है तो बटन तो मिलता नहीं, लेकिन उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हर गाड़ी में सर, और आप रिमोट से भी फिनिशिंग खोज सकते हो। तो सर हमें एक बार दिखाए रिमोट से कैसे करती है सर? हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ सर। देखिए सर दोस्तों ऐसे घूमते हैं सर, एक मैन्यू फिट है, होंडा की स्कूटी है सर, अगर आपके पास गाड़ी में चाबी रह गई इसके अंदर, ठीक है, ये बंद नहीं होगी सर। देखा दोस्तों कितना अच्छा फीचर है जो कि भैया ने हमें बताया है, अपनी मतलब कि इतना अच्छा फीचर दिया है कि आप अगर कोई बच्चा, जैसे अपना कोई छोटा फैमिली बच्चा है, वो चाबी अंदर छोड़ देता है और आप उसको बंद कर देते हैं, लेकिन गाड़ी बंद नहीं होगी, इसी को हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी चाबी निकाल लेते हैं सर, काफी अच्छा है बूट स्पेस, 500 प्लस लीटर का बूट स्पेस, 506 लीटर का बूट स्पेस है, बहुत काफी अच्छा है। अब इस तरफ से बात करें तो एक बार कैमरा मैन इसकी वो लेंगे, वो काफी अच्छा है सर। इसका फ्यूल टैंक कितनी कैपेसिटी का मिलता है? 40 लीटर है सर। हाँ जी, 40 लीटर, 40 लीटर हमें इसमें फ्यूल टैंक मिलता है, काफी अच्छा है फ्यूल टैंक। और बात करें इसके डोर, ये भी बॉडी कलर साइड भी दी हुई है, अगर सर सामान वगैरह खोलने है कुछ रखने हैं तो हमें बैठना चाबी अपने पास होनी चाहिए, वो आप खोल सकते हैं। जी तो ये काफी अच्छा है, हम चलते हैं ड्राइवर की साइड और देखते हैं ड्राइवर साइड हमें क्या क्या कंट्रोल मिलते हैं, चलिए। हाँ जी सर, सर इसके अंदर अपने क्या है, चारों पावर विंडो रहती है सर। हाँ जी, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, चारों साइड से कर सकते हो, ठीक है सर। और इलेक्ट्रॉनिक साइड ORVM दे दिए सर, जिससे जो साइड वाले जिससे आप इलेक्ट्रॉनिकल ही एडजस्टमेंट कर सकते हो, यही से हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा सर, फोल्ड हो जाएगा। हमारे जो वीडियो देख रहे होंगे वह सब करके दिखाए फोल्ड कैसे होते हैं सर। हाँ जी सर, देखिए दोस्तों अपने परवीन भी आप पीछे से दिखाएंगे कैसे खुलता है सर, खोले। ओ दोस्तों आपने देखा कि बेस वेरिएंट है ये, आप दोबारा गौर करना इस पर, बेस वेरिएंट में ये जो फीचर आते हैं ये नॉर्मल कार में आपको नहीं मिलेंगे, काफ़ी अच्छी कार है। और मैंने अंदर भी हैंडल दे दिए सर, यहाँ पे क्रोम्स, यहाँ पे भी क्रोम है सर, जो प्रीमियस फील होगी ना कार के अंदर दोस्तों बैठने से, वो अंदर ही आप जब इसको आप टच करोगे ना वो आपको जो भी फील होगी सर। यहाँ पे सर हमने देख रहा हूँ, यहाँ पे सर 1 लीटर बोतल होल्डर दे दिया है सर जी, यहाँ पे अपने हाथ के लिए हैंडल वगैरह अच्छी फिनिशिंग, ये लेदर है सर। देखा दोस्तों अपने इसमें लेदर मिल रहा है, ना कि कोई जैसे प्लास्टिक मिल रहा हो आपको, और जो प्लास्टिक की क्वालिटी देखते हैं दोस्तों वो काफी अच्छी है, ये नहीं कि आपको आप चीप कार में बैठे हो आपको चीप फील बर्गी होगी, लेकिन चीप बर्गी फील होगी दोस्तों आपको, काफी एक सॉलिड गाड़ी फील होगी। यहाँ से आप कल से दबाओगे और यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब गाड़ी स्टार्ट होती है कितनी स्मूथली स्टार्ट होती है, इसके अगर आप साउंड सुना सर, इसको साउंड सुना एक बार,
देखा दोस्तों आपने कितनी स्मूथ जो साउंड जो स्टार्ट होती है कार के अंदर जो फील आती है उसके अंदर वो फील है सर। यहाँ पे कंट्रोल, इसमें मैं क्रूज कंट्रोल भी देख रहा हूँ सर। दोस्तों मैं इसमें देख रहा हूँ यहाँ पे जैसे क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है सर। जैसे आप 40 की स्पीड से अब होते हो सर, ठीक है सर, आप क्रूज ऑन करो, यहाँ से ऑन करने के बाद आप सेट का बटन दबा दो सर, एक्सीलेटर छोड़ दो सर और आप ब्रेक वगैरह छोड़ सकते हो, ठीक है सर। ओके सर, यहाँ पे कंट्रोल के बारे में सर, म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम है सर, म्यूजिक सिस्टम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑटो हैंडल्ड एप्पल कार प्ले, ठीक है सर, ये चीजें इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर आती है सर। हाँ जी सर, सर इसका जो कंट्रोल कर देते हैं साउंड कहाँ से कॉपीराइट आ जाता है। हाँ दोस्तों सर, कॉपीराइट आ जाता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं भैया, इतने हमारे लिए इतनी मेहनत करे, गर्मी में आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्वेट आ रखा है। आप सभी कल तो इस वीडियो लाइक जरूर करना, और भैया के लिए, भैया का नंबर आ रहा होगा, भैया से आप कोई भी क्वेरी हो होंडा के बारे में, कोई भी कार के बारे में ना सर, हाँ इनसे पूछ सकते हो। अगर आप हिसार के अंदर रहते हो तो आपको सबसे बेस्ट डील देंगे होंडा के बारे में, होंडा की कार्स की, तो इनसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। सर का नाम विनोद है, मैं भूल गया था, मैं सर से माफी चाहता हूँ। सर का नाम विनोद है, विनोद भैया तो जो इस जो ये साइज है इसका, साइज क्या है? साइज है सर 8। अच्छा ये 8 इंच सर, ये HD है क्या? फुल HD सर, ये फुल HD है सर। ठीक है सर, अगर मान लो आप गाड़ी की ड्राइव कर रहे हो सर, आपको लाइट वगैरह ज्यादा लग रही है सर, ठीक है, तो आप कम भी कर सकते हो सर इसकी विजिबिलिटी। देखा दोस्तों आपने, यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं, प्लस भी और माइनस भी, ज्यादा और कम भी कर सकते हो। हाँ जी, जो अंदर की जो ये लाइटनिंग होती है। हाँ जी सर, मैं ये चीज जो टच एंड फील ले रहा हूँ, ये काफी प्रीमियम फील हो रही है, ये नहीं सर, सलीप नहीं फील हो रही सर। हाँ जी ठीक है सर, और होंडा अलेक्सा है, होंडा अलेक्सा से आपकी गाड़ी की फील मैं आपकी देखी थी सर एड में, आपकी जो टो मॉडल है सर उसमें काफी अच्छा फीचर है, सभी वेरिएंट में सर, बेस से स्टार्टिंग है सर। ओके सर, तो सर ये मैं देख रहा हूँ इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल काफी बेहतर फीचर है, बेस वेरिएंट में होगा सर। हाँ जी, तो सर इसका ये कुछ बताया सर? हाँ सर, जैसे सर कि आप यहाँ से सर आप मानो एसी अगर ऑन करना है, ऑन ऑफ हो जाएगा सर। दोस्तों यहाँ पे बोल करना है, इसी कह रहे हैं एसी ऑन होएगा और ऑफ होगा सर। जो मैं हवा का जो प्रेशर जो फील कर रहा हूँ, मेरा हाथ पूरा पीछे तक है, यहाँ तक पूरी यहाँ तक पूरा इसकी हवा आ रही है, तो काफी अच्छा बेनिफिशियल इसका एसी मुझे लग रहा है सर। कुछ और बताया सर इसी बारे में? सर ऑन ऑफ आप अपनी क्या है कि जो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो आप अपने टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आप रखना चाहो, लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, वो भी सर रख सकते हो गाड़ी को, ठीक है सर। तो ये फ्रंट और रियर सर, इसके बारे में बताया सर? हाँ जी, जैसे सर कई बार क्या होता है, आप चलते हैं सर, बूंद वगैरह आ जाते हैं अभी बारिश की वजह से या सर्दी की वजह, ठीक है सर। आप फ्रंट का जो शीशा है, साइड लाइट्स, मिनर, ठीक है सर, ये हो जाएगा सर। ये रियर का है अपनी, जो मैंने आपको कवर के बारे में वो है सर। सर ये कूल मैक्स कूल कैसे? मैक्स कूल अगर मान लो मैक्सिमम कूलिंग पे रखना आपको यहाँ पर रखना है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर रख दिया हमने 20, उसी मिनट टेम्परेचर पे रहेगा। इससे अगर ज्यादा कूलिंग हो जाती है गाड़ी में तो आउट हो जाएगा सर, ज्यादा टेम्परेचर होता है ऑन हो जाएगा सर एसी। सर यहाँ पे यूएसबी टाइप, यूएसबी दो प्लग है जी सर, USB लगा सकते हो, ठीक है सर, और ये अपना मोबाइल कनेक्टिंग कर सकते हो, ठीक है सर। ये अपना उसका होगा सर होंडा कनेक्ट, उसमें ऑटो हैंड एप्पल कार प्ले है सर। हाँ जी, उसके लिए सर आप यूज करोगे। हाँ जी, अगर आप ऑन करना चाहो तो आप इससे कर सकते हो सर। तो सर आपका मोबाइल क्योंकि सर इसमें हमारी सर्विस वगैरह है या कुछ डॉक्यूमेंट्स है पर्सनल, वो हम रख सकते हैं सर इसके अंदर। काफी बड़ा स्पेस दिख रहा है दोस्तों मुझे ये, और मेरे जो दोनों हाथ है वो इजीली यहाँ से आ रहे और जा सकते हैं, मतलब कि मैं इजीली कोई चीज, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये कोई बुकलेट उठा रहा हूँ तो मैं ये इजीली उठा पा रहा हूँ, ना कि ये जैसे कि अपना हाथ फंस रहा है यहाँ पे, हम इसको ग्रैप नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये पियानो फिनिशिंग मिलेगी सर, काफी प्रीमियम फील होते हैं इससे, और इस तरफ भी आपको ये मिलेगी। और यहाँ पे दो कप होल्डर मिलते हैं ना सर? दो कप होल्डर मिल जाएगा सर, मोबाइल स्पेस के लिए भी जगह मिल जाएगी आपको। बहुत ही बड़ा फीचर, देखा फीचर वाइज और स्पेस वाइज काफी अच्छा। अगर आपके पास मान लो
मान लीजिए के फोन में या सर कोई और यूजिंग हाँ। फोन है मान लो नॉर्मल में वो वायरलेस चार्ज नहीं होगा सर, वायरलेस चार्ज भी फोन भी कर सकते हो आप इसमें। इसमें सर जैसे हमने वायरलेस में चार्ज लगाया फोन, वायरलेस के जो हमारे एसेसरी है उसके अंदर पार्ट है सर वो। हाँ जी आप प्रोवाइड करते हो कस्टमर। हाँ जी कस्टमर सर। तो सर ये देखते हैं यहाँ पे जो हैंड ब्रेक के जो ऊपर जो नोट है ये भी क्रोम ही मिलता है ना कि जो बॉडी मिले उससे थोड़ी चीप फील होती है लेकिन इसमें चीप फील नहीं होगी आपको आसानी से, और जो आप खींचोगे वो भी अच्छा फील होगा। सर लाइट भी दी हुई है सर। सर ये एलईडी है क्या? एलईडी लाइट सर टॉप मॉडल में इस वेरिएंट में नॉर्मल से लाइट है। ठीक है ये क्या देख रहे हैं सर? ये तो वैसे तो सर कुछ गर्म वाला ना हो। ओके सर। और सर यहाँ पे साइड क्यों ड्राइव साइड? अगर मैं तो एक ही सर एक ही बात में उसको कहना चाहूंगा, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो अपनी सीट बेल्ट लगाए। हाँ जी बहुत जरूरी है, उसके बिना ये एयरबैग भी नहीं खुलते सर, करेंगे का एयरबैग। अब पहले वाली मेंटेलिटी नहीं है कि भाई आप सीट बेल्ट नहीं लगा रखिए, वो फोर्डेक्शन देखी जाएगी सर आपकी जो सेंसर सेंस कर पाता है या नहीं कर पाता, कहाँ लगी है कार कहाँ। लेकिन दोस्तों हमारी बात मानो तो हम माजूर के निवेदन करते हैं कि आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं और कोरोना के टाइम में मास्क जरूर पहनें। दोस्तों ये मैं सोचना कि हमने मास्क नहीं पहन रखा, सैनिटाइज नहीं करका, हमने हर चीज़ कर रखी है, अगर हम मास्क पहनते हैं तो जो हमारी जो साउंड है वो इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, इसलिए हमने मास्क नहीं पहन रखे और हमारा टेम्परेचर भी चेक करते हैं होंडा में और काफ़ी अच्छा है। दोस्तों ये मैं देख रहा हूँ इसमें ये यहाँ पे आपको इसमें ग्लोबॉक्स भी दिया हुआ है सर। हाँ जी ग्लोबॉक्स पर कुछ बताएं सर। हाँ जी ये सर अपना हैंड रेस्ट है, अपना सामान वगैरह कुछ वो रख सकते हो सर। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो कई होंगे कि आप प्रेशर की कार चला रहे हाथ यही रहता है लगभग, तो आप आराम से इसमें क्योंकि थी और कि आप परेशान नहीं होंगे। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपकी हाइट कितनी है सर? मेरी हाइट है सर 5'4". दोस्तों भैया की हाइट 5'4" और मेरी 6'3" है, तो जो ये वाली सीट अब ये अपनी हाइट के हिसाब से करेंगे और मैं मेरी हाइट के हिसाब से देखें पीछे हमें कितना स्पेस मिलता है मुझे कितना हाइट एडजस्टेबल कर सकते हो इस मॉडल के अंदर। हाँ जी आप हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं काम हाँ जी आप कितने पीछे तो फ्रेंड्स मैं एक काम करना चाहूँगा, मैं जो ये सीट है ये मेरे हिसाब से करता हूँ और भैया जो ये सीट है ये अपने हिसाब से करते हैं। मैं जिस जो पूरी नीचे बैठता हूँ मेरी हाइट के हिसाब से ये कैसा वर्क करती है, तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। सर देखिए हम आ चुके हैं गाड़ी की जो दोस्तों हम गाड़ी के जो बैक पोर्शन पे आ चुके, तो काफ़ी जैसे आप कोई भी कार चलते हो अपनी फैमिली है जो मेनली आप पीछे बैठती है अपनी फैमिली, आपकी फैमिली बच्चे जो पीछे बैठते हैं उनको क्या वो होता है फील होता है, और कोई लंबा आदमी है। दोस्तों मैं बता मेरी 6'3" हाइट है और मेरी हाइट के हिसाब से आपको मैं स्पेस दिखाऊंगा इसका। और सर आप बात करते हैं भैया से, भैया कुछ बताएं। सर लेग स्पेस है, लेग स्पेस आप देख रहे हो भैया ऐसा काफ़ी हाइट है। ठीक है सर मेरी फाइव ही सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरी जो फाइव फिंगर है दोस्तों ये आ रही है और इसकी एक फिंगर और ऐड कर सकता हूँ मैं, इतना स्पेस मिल रहा है मुझे आगे। और हेड की बात करें अगर अब मैं पहले मैं ऐसे था अब थोड़ा और पैर फिला रहा हूँ कि मेरे को स्पेस मिल रहा है आगे आगे पैर करने का, ऊपरी बात करूँ मेरे को लगभग इससे भी ज़्यादा स्पेस मिल रहा है और थोड़ा मेरे हेयर ऊपर है ना इसलिए मेरे को नहीं, अगर मैं इस पर करूँ तो मेरे को इतना स्पेस मिल रहा है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और दूसरी बात ये बता देता हूँ सॉरी सर, अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो आपको थकान महसूस नहीं होगी सर इस गाड़ी के अंदर, रियर एसीवेंट भी दे दो सर इसके अंदर। इंडिया के हिसाब से अगर किसी गाड़ी में पीछे एसी नहीं आएगा ना तो मुझे लगता है वो गाड़ी लेना कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसके अंदर एसी जरूरी है सर। और मैं बता देता हूँ सर आपको मोबाइल चार्जिंग होल्डर भी मिल रहा है सर, यहाँ इसकी तरफ देखो सर यहाँ पे ये रियर आराम रेस्ट भी मिला है सर इसके अंदर, आप कप होल्डर मिलते हैं सर दो। हाँ जी वो आप हाईवे पर जा रहे हो तो आप इजीली ऐसे बैठ सकते हो यहाँ पे अपना कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। और पीछे की तरफ बात करें इसकी कुशनिंग की बात करें दोस्तों, जो कि और कार में होती है आपने देखा होगा काफ़ी हार्ड होती है, 100 किलोमीटर्स के बाद ही आपकी बॉडी वो थक जाती है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि थके क्योंकि आप अगर फिंगर ऐसे प्रेस कर रहे हो तो काफ़ी मतलब ज़्यादा दूर तक इस पर प्रेस हो रही है और काफ़ी सॉफ्टनेस कुशनिंग है। और हम देख सकते हैं हम पीछे ऐसे मैं 6'3" हाइट है मेरी और पीछे मैं इजीली बैठा हूँ और हम चाहे तो एक बंदर आराम से इसमें आ सकते हैं जैसे कि हमारा जो साइज़ है बॉडी का, लेकिन अगर दो मुझे हेल्दी पर्सन है वो इजीली इसमें आराम से आपको बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी क्रोम की मिलती है ये पावर डोर लॉक और यहाँ पे ऐसे इसको लॉक कर लेगा सर। और कुछ फीचर्स सर पीछे पीछे से सर ने बता दिया, दोबारा आपको एक गाड़ी का ओवरऑल दिखाते हैं फिर भैया से आपकी बात कराते हैं। भैया का क्या नाम मतलब विनोद नाम मैंने तो बता दिया लेकिन भैया अपनी पूरी डिटेल बताएंगे, तो चलिए
काफ़ी मुझे अच्छा लगा। फर्स्ट जो इम्प्रेशन जो कस्टमर जो फील करता है उसके हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बात करते हैं विनोद भैया से, विनोद भैया की जो प्राइस वो बताएं और आपका नंबर साइट। सर इसका प्राइस है स्टार्टिंग एक्सोरूम प्राइस है 1,89,000 रुपये। सर इंग्लिश में और बता दें एक बार, जो इंग्लिश में देखें 9,000। एक बार वो रिपोर्ट और करते हैं सर। ठीक है सर, 10,89,000। आपने देखा सर 10,89,000 है ना सर, इतने लाख आपको एट शोरूम मिल रहा है सर। ऑन रोड तो वो आपका वो करता है, डिफर करता है आप कौन से शहर में रह रहे हो, कहाँ पर रह रहे हो सर। इसार के अंदर ही ऑन रोड कितने सिटी का प्राइस सर, ऑन रोड सॉरी जो एक्स शोरूम प्राइस है एक रहेगा सर सिटी का ऑल ऑफ इंडिया। तो ये ऑन रोड पे सर इसार के अंदर आपको कितने की मिलेगी सर? ये सर लगभग मैं देता हूँ सर के पास वो है सर परवीन बात करिए, आप यहाँ पे फोकस करें दिखाएं प्राइस कस्टमर को। 12,70,000 रुपये सर ऑन रोड। हाँ जी बार फोकस करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आपने तो ये इसका प्राइस है। और आने वाली और वीडियो में आपको होंडा की जितनी भी एक जो कार है आपको हर कार मिलेगी और हर वीडियो में आपको विनोद भैया मिलेंगे। तो विनोद भैया के लिए लाइक जरूर करना और विनोद भैया का नंबर आ रहा होगा आपको डिस्प्ले पे वीडियो के अंदर। और विनोद भैया आपको कोई भी क्वारी हो ना होंडा के बारे में आप विनोद भैया से आप जरूर पूछना, और काफ़ी हम्बल इंसान है, मेरे को काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने ट्रीट किया है। और आते ये नहीं कहा कि आप ऐसे मत करो ऐसे मत करो, काफ़ी अच्छी तरह से कहा भैया। और कुछ आपका नंबर बता दो सेवन से मिलता ना सर। हाँ जी 7206778316। सर हिंदी में बता दो सर ये नंबर। हिंदी 7267-78316। हाँ जी तो आपने नंबर देख लिया, नंबर भी आ रहा हुआ। तो आज के लिए इतना था, अब आने वाली अगली वीडियो में आपको मिलेंगे होंडा की आएगी जब, और अब इसकी आपको एक वीडियो और मिलेगी, वो मिलेगी इसकी टेस्ट ड्राइव की चलाने में गाड़ी कैसी है वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर शेयर करना।